नमस्कार, स्वागत है अपन न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज मोदी सरकार का अंतरिम बजट साल 2024 पेश करने वाली है। लोकसभा चुनाव के कारण अभी अंतरिम बजट आ रहा है। चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी वो पूर्ण बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि आज के अंतरिम बजट में रक्षा, रेलवे, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए तो निर्मला सीतारमण कई ऐलान करेंगी। साथ ही नौकरी पेशा, किसान, युवा और महिलाओं के लिए भी वो कई योजनाओं का ऐलान बजट में कर सकती हैं। सुबह 8:15 पर बजट तैयार करने वाले टीम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फोटो सेशन हो चुका है। इसके बाद वो 8:45 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी कर चुकी है और उनसे बजट पेश करने की मंजूरी ले चुकी हैं। 9:15 पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंचेंगी। इसके बाद 10 कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद सुबह 11 से लोकसभा में वित्त मंत्री का बजट भाषण होगा। बजट तैयार करने वाली टीम में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन है, वित्त सचिव टीवी सोमनाथ हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा है, फाइनेंशियल सर्विस के सेक्रेटरी विवेक जोशी हैं, उनके साथ इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ, एसेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे के अलावा पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, एडिशनल सेक्रेटरी आतिश चंद्रा, पुण्य सलीला, अरविंद श्रीवास्तव और हरि रंजन राव रहे हैं। इस बार अंतरिम बजट में नौकरी पेशा वर्ग के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि को भी सालाना 6,000 से बढ़ाकर 8,000 या 9,000 किया जा सकता है। मनरेगा के लिए बजट को बढ़ाकर 70,000 से 75,000 किए जाने की उम्मीद है। महिलाओं और युवा वर्ग के लिए वे वित्त मंत्री कई ऐलान कर सकती हैं। साल 2019 में भी लोकसभा चुनाव के कारण अंतरिम बजट आया था। तब बजट में वित्त मंत्री ने किसान सम्मान निधि, प्रधान श्रम योगी मानधन योजना, रोजगार के लिए खास ऐलान, नौकरी पेशा वर्ग के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में ₹10,000 की बढ़ोतरी और TDS लिमिट को भी बढ़ाने का ऐलान किया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।